हेलो नमस्कार जी, आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन नॉलेज टीवी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी भाई? आज हो चुकी है 20 अप्रैल 2024, वार है शनिवार। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है और मोदी सरकार ने 5 बड़ी घोषणाएं भी कर दी हैं। जी हाँ, वही तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के रिजल्ट के बारे में बताएंगे, बीपीएल वालों को दिए जा रहे हैं 90,000 रुपये, पेट्रोल डीजल एक बार फिर से सस्ता करने की तैयारी में है सरकार, 4 राज्यों में आंधी और तूफान आएंगे, वहीं चुनाव के बीच में ईवीएम मशीन तोड़ी गई है। जी हाँ, तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। वीडियो को देखें अंत तक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, तमाम जानकारी आपको मिलेगी। वहीं मैं आपको बता दूं, आप अपने गांव, शहर, राज्य का नाम भी कमेंट करें, क्योंकि भी आपके गांव, शहर, राज्य से जुड़ी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड परीक्षा 2024 की। जी हाँ, आज आप सभी का इंतजार खत्म कर दिया जाएगा बोर्ड की तरफ से। आज दोपहर 2 बजे 10वीं और 12वीं दोनों का जो परीक्षा परिणाम है वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जारी कर देगा। 50 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने इस बार परीक्षाएं दे रखी है यूपीएमएसपी से। आपको मैं बता दूं, पिछले वर्ष 25 अप्रैल को वे इस बार आपका जो रिजल्ट है वो यूपीएमएसपी 20 अप्रैल को ही जारी कर रही है। भाई लगातार यूपीएमएसपी पर विद्यार्थी सर्च कर रहे थे कि हमारा रिजल्ट किस प्रकार हम देख पाएंगे, तो सबसे पहले आपको यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां पर आपको रिजल्ट के सेक्शन में जाना है और रिजल्ट के सेक्शन में जाने के बाद आपको वहां पर रोल नंबर, स्कूल कोड आपको भरने हैं और सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपका जो परीक्षा परिणाम है, आपकी पूरी जो मार्कशीट है वो डाउनलोड हो जाएगी और आप अपना जो रिजल्ट है वो देख पाएंगे। इस बार बोर्ड की तरफ से सख्त निर्देश जारी कर रखे हैं कि इस बार तकरीबन रिजल्ट जो है बहुत अच्छा है। काफ़ी सारे विद्यार्थियों को फेल होने के बावजूद भी प्रमोट किया गया है। 2 से 3 नंबर के जो ग्रेस नंबर है वो भी विद्यार्थियों को इस बार दिए गए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी पास हो सके। अगली बड़ी खबर की बात करेंगे। जी हाँ, मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल एक बार फिर से सस्ता कर सकती है। जी हाँ, इस बार सरकार पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं करेगी, खुद तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल सस्ता करने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, आपको मैं बता दूं, लगातार पेट्रोल डीजल पहले सस्ता नहीं किया गया था, लेकिन हाल ही में जब चुनाव की घोषणा हुई थी उससे पहले ही 2 रुपये पेट्रोल डीजल के जो दाम थे वो घटाए गए थे। अभी अभी 10 मिनट पहले ही बड़ी इन्फॉर्मेशन आई है कि तकरीबन 2 से 3 रुपये और पेट्रोल डीजल के दाम घटने वाले हैं, यानी कि 30 अप्रैल तक आपको ये पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं घटते हुए दिखाई देंगे। वहीं बहुत से ऐसे हैं जो कि पेट्रोल डीजल घटने से ही काफ़ी ज़्यादा महंगाई जो है वो कंट्रोल में आती है और महंगाई जो है वो चरम सीमा पर पहुंची हुई है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल बढ़ने से ही महंगाई बढ़ती है और घटने से महंगाई घटती है भाई। ठीक है, वहीं जो दो पहिया वाहन चलाने वाले हैं, जो गरीब परिवार से हैं, मिडिल क्लास परिवार से हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी पेट्रोल डीजल सस्ते होने से भाई। वहीं हम बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। जी हाँ, ये भी बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर है, ईवीएम तोड़ी गई है। जी, आप सभी जानते हैं पहले चरण के चुनाव पूरे देश भर में तकरीबन 21 राज्यों के चुनाव, जहां पर कुछ सीटों में चुनाव हुए हैं और भाई ईवीएम जो है वो काफ़ी जगह पर तोड़ी गई है। पहले चरण के चुनाव 19 अप्रैल को हुए हैं और भाई तकरीबन पूरे देश भर में इस बार चुनाव 66% रहा है पहले चरण का, यानी कि इस बार चुनाव में रुचि लोगों ने बहुत ही कम दिखाई है। 66% ही चुनाव इस बार हुआ है पहले चरण का और भाई बंगाल में और मणिपुर में दो जगह पर हिंसा भी देखने को मिली है और ईवीएम मशीन जो है वो भी तोड़ी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करेंगे। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है ये भी और आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास बीपीएल का राशन कार्ड बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बीपीएल के राशन कार्ड पर आज से ही लोगों को मिलने जा रहे हैं 90,000 रुपये, उनके बैंक अकाउंटों में सीधे तौर पर ट्रांसफ़र किए जाएंगे 90,000 रुपये। और ये 90,000 रुपये क्यों दिए जा रहे हैं ये भी आप जान लें, जिन लोगों ने
दिसंबर 2023, जनवरी 2024 और फरवरी 2024, इन 3 माह के अंदर प्रधानमंत्री योजना के तहत, जी हाँ, प्रधानमंत्री मकान मरम्मत योजना के तहत आवेदन कर रखा था। ऐसे लोगों को जो ये पैसे हैं ये मोदी सरकार दे रही है उनके बैंक अकाउंटों में, प्रधानमंत्री मकान मरम्मत के जो पैसे हैं वो दे रही है, मकानों के लिए मरम्मत के लिए जिन्होंने आवेदन कर रखा था उनके बैंक अकाउंटों में 90,000 रुपये की राशि जारी की जा रही है। वही आपको मैं बता दूँ, इस बार 25 अप्रैल के बाद जो भी आवेदन करेगा उसको 90,000 रुपये से बढ़ा करके 3 लाख रुपये तक की जो राशि है वो सरकार देने का काम करेगी। लेकिन आपको जो राशि है वो लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट के बाद यानी कि जून के बाद ही देखने को मिलेगी। अब अगर कोई आवेदन करता है, कोई गरीब परिवार आवेदन करता है, तो उसको 90,000 रुपए नहीं मिलेंगे, उसको तकरीबन 2,60,000 रुपए तक की जो राशि है उनके बैंक अकाउंट तक मिलेगी। भाई ये बोली बहुत ही बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। आपको मैं बता दूं, जो उन्होंने पहले आवेदन किया था उनके पैसे अब आने शुरू हो चुके हैं, 30 अप्रैल तक उनके पैसे उनके बैंक तक पहुंचा दिए जाएंगे। जो फ़िलहाल नए आवेदन करेंगे उनको जून में पैसे जो है वो मिलेंगे और ये पैसे भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में उनको मिलेंगे। तो आपको आवेदन अगर पहले कर रखा था आपको अब मिल जाएंगे, अगर आपको बाद में आवेदन करना था तो आपको अब बाद में आवेदन करेंगे यानी कि अभी आवेदन करेंगे 25 तारीख के बाद तो आपको जून में पैसे मिल जाएंगे। आवेदन जरूर कर लें अगर आपके पास बीपीएल का राशन कार्ड है तो। वहीं हम बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, ये भी बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर है। जी हाँ, 4 राज्यों में तूफान और बारिश का जो सीजन है वो आज से शुरू हो जाएगा। जी हाँ, लगातार 150 से लेकर 230 प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं जो है वो चलेगी और भाई तेज हवाएं चलने से तूफान आंधी आने की संभावना और ख़तरा जो है वो मंडराने लगा है। अब 4 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, राजस्थान व पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में जो है वो तूफान का जो खतरा है वो ज़्यादा मंडराता हुआ नज़र आ रहा है। मध्य प्रदेश में तो जो तूफान है वो आने भी शुरू हो चुके हैं। वह राजस्थान के कुछ हिस्से जहां पर तेज तूफान और बारिश की संभावना आज जताई है मौसम विभाग IMD ने, वहीं हरियाणा व पंजाब व दिल्ली NCR के हिस्से जहां पर तेज बारिश होने की संभावना भी आज जताई है। आप भाई कहां से वीडियो देख रहे हैं और आपके यहां फ़िलहाल जो है मौसम कैसा बना हुआ है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तमाम जानकारी आपको मैं देता रहूँगा मौसम संबंधित और भाई चाहे बोर्ड परीक्षा संबंधित, BPL संबंधित, जितनी भी तमाम जानकारी जिसका लेना देना आपसे हो, जिससे आपका फ़ायदा हो, वही जानकारी आपको इस YouTube चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, व्हाट्सअप पर, फेसबुक पर, जहाँ पर भी आपके दोस्त रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।